ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा? कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा? चरणों में आंखों में आंसू है, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। आंखों में आंसू है, दिल में तड़प है यीशु से मिलने की। आज मिला दो हमारे प्रभु से, हमारे दाता से। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। जैसे मरियम बेटी थी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बेटी थी यीशु के चरणों में। हम को भी आज बैठना है यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा? कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा? यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी, वही संभालेगा।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, टूटे दिल की प्रार्थना, टूटे मन की प्रार्थना, टूटे हुए इंसान की प्रार्थना प्रभु सुनता है और प्रभु ही सुनता है हमारी प्रार्थना। हमको पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु के पास आना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका ध्यान प्रभु की ओर रहे, आपका ध्यान उसके वचन की ओर रहे, आपको प्रभु छुएगा। देखिए, यहाँ प्रभु की उपस्थिति है, यहाँ प्रभु की उपस्थिति है। आंखों में आंसू है, दिल में तड़प है, यीशु से मिलने की। यीशु आपके पास है, यीशु आपके पास खड़ा है। कौन मिल रहा है यीशु से, कौन मिलने जा रहा है? हालेलुया। हमारे दाता से ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में ले चल हमें तू पवित्र आत्मा। फिर एक बार, आंखों में आंसू है, सब गाइए। आंखों में आंसू है, दिल में तड़प है, यीशु से मिलने की। आंखों में आंसू है, दिल में तड़प है, यीशु से मिलने की। आज मिला दो हमारे प्रभु से, हमारे दाता से, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। मरियम दुनियादारी की हर एक बातों को छोड़कर, दुनियादारी की बातों को भूलकर प्रभु के चरणों में बैठी है, प्रभु से कुछ सीखना चाहती है, प्रभु से कुछ सुनना चाहती है। वही मन, वही दिल लेकर आइए हम भी, दुनियादारी को भूलकर प्रभु से कुछ सीखना है, प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करना है। इसलिए हम भी मरियम की तरह पूरे दिल और मन से, ध्यान से, पूरी शक्ति से प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना।
चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हमें ले चल सकते हैं, आप हमको प्रभु की उपस्थिति में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु से हमको बातें करना है। यीशु, हमको भी आपके पास मरियम की तरह बैठकर पूरा जीवन समर्पित कर कर दुनियादारी को भूल कर हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, हम कुछ अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के जरिए आपने हमको वरदान दिए हैं, आपने हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाया है, फिर भी और अच्छा बनना चाहते हैं हम। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हम सबके बीच में उपस्थित हो इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा होकर, प्रभुओं के प्रभु होकर आप हमारे बीच में आए, आप हम सबके उपस्थिति में आए, धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको, धन्यवाद पवित्र आत्मा, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु।
परमेश्वर होने पर भी तू मानो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपके ज्ञान के सागर में, आपके प्यार के सागर में, आपके सामर्थ्य के सागर में, आपके उपस्थिति के सागर में हम तैरना चाहते हैं प्रभु जी। हमें तैरना सिखाइए प्रभु जी, हमें तैरना सिखाइए प्रभु जी, हम सीखने के लिए तैयार हैं प्रभु जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु।
हालेलुया 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 बुलाए चुने हुओं के लिए आह्वान है, हमको जय पाना ही है। और जब तक सांस है तब तक हमको विश्राम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा विश्राम का दिन हो गया है और हमको विजय पाना ही होगा, क्योंकि हमको अनंत काल के राज्य में जाना है, प्रभु के पास रहना है। तो हमको हर एक बातों पर विजय पाना है, हर एक बातों पर विजय पाना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जो समय है आप और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, हम धन्य हैं, क्योंकि हम स्वर्गीय परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सादे सुदे मामूली लोग नहीं हैं, हम राजपुत्र हैं और राजकन्या हैं। आप सब राजपुत्र और राजकन्या, यानी कि राजकुमार और राजकुमारी, ऐसे हैं आप। क्या आप मामूली लोग हो? क्या आप छोटे लोग हो? नहीं, आप पवित्र परमेश्वर के बेटे हैं। आपके आसपास कितने लोग हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी रक्षा के लिए है। आप दुखी हो तो उस दुख को भूल जाइए, आप निराश हो तो निराश से मत घबराइए। आपके लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा, तो देखिए परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, तेरी माता तेरा पिता तेरे भाई बहन तेरे बीवी बच्चे और तेरे रिश्तेदार ये तक तुझे छोड़ जाएंगे। तो हम किस पर विश्वास करें? कौन यहाँ है हमारा जो हमारे दुख में हमें साथ देगा, जो हमारे कष्टों से हमें बचाएगा, जो हमारे अकेलेपन में साथी का हाथ बढ़ाएगा? प्रभु यीशु है, ओ प्रभु यीशु है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर भी आपके और हमारे लिए घायल बना, आपके हमारे लिए वो पापी बना। आप धर्मी हो गए, आप निरोगी हो गए, आप रोग से छुटकारा पाए। यीशु रोगी होकर पापी होकर हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया। उसके साथ विश्वास करने वाले सब भाई बहन भी गाड़े गए, फिर यीशु उठा। यीशु के साथ जितने लोग गाड़े गए थे वो सब जी उठे। अभी कौन मरेगा? कोई भी नहीं मरेगा। सब लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वो सब मसीह के साथ में बैठे हैं। अदृश्य रूप से, आत्मिक रूप से मसीह के भाई बहन बन गए और उसके साथ चलते हैं दिन रात। तो अभी कोई चिंता करने की बातें नहीं है। मां छोड़ गई, उसको तो जाना ही था, क्योंकि प्रभु ने कहा था छोड़ जाएगी। पति छोड़ गया है, उसे तो जाना ही था, क्योंकि टेम्परवारी प्रेम करते थे, स्वार्थी भावना से प्रेम करते थे, इसलिए आपको छोड़ गए हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, उसने आपसे वादा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर लौट आऊंगा और तुझे भी मैं जहां रहता हूं मेरे साथ रखूंगा। हालेलुया! क्या इस वादे से आप खुश हो? क्या आपका पति, क्या आपकी पत्नी आपको छोड़ गए हैं? क्या उन्हीं बातों को लेकर आप दुखी हो? आप उन्हीं बातों को लेकर आप दुखी रहोगे तो आपके दुख मिटाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आपका पड़ोसी आपको काम नहीं आएगा, आपका भाई आपकी बहन आपको काम नहीं आएगी, यीशु के अलावा। यीशु ही है वो जो दुख तेरे खुद पर ले सकता है और तुझे उस दुख से आजाद कर सकता है।
तुझे उस बंधन से मुक्त कर सकता है, तुझे शराब से मुक्त कर सकता है। तेरे पास कोई मान सम्मान नहीं है, तुझे कोई इज्जत नहीं देता है। यीशु ने तेरे लिए वो सब दुख सहे हैं और तुझे राजा का बेटा बनाया है। तुझे मान सम्मान यीशु देगा। तू अकेला नहीं है, तू अकेली नहीं है मेरी बहन, मेरे भाई, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ यीशु और स्वर्ग की सारी सेना तेरे साथ है, जो तुझे दिखाई नहीं देती, जो तेरे पास खड़ी है, जो तेरे साथ साथ चलते हैं। ऐसे मत समझ जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन दौलत है, जो धन दौलत से प्यार करते हैं, खुद बड़े समझते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है ये नंगे हैं, इनके बदन पर वस्त्र भी नहीं है, लेकिन खुद को भिखारी, खुद को गरीब, खुद को दुखी समझता है। तेरे पास वो यीशु है जिसने तेरे सारे दुख को कलवरी के क्रूस पर लटका दिया और तुझे हर एक बुराई से, हर एक दुख से, चिंता से, तेरी मौत से भी तुझे आजाद कर दिया है। वो यीशु तेरे पास है। तो बोल मेरी बहन, बोल मेरे भाई, कौन गरीब है और कौन अमीर है? क्या तू अमीर है, क्या तू गरीब है? जिसके पास यीशु नहीं है वो भिखारी है, वो गरीब है, लेकिन तेरे पास तो यीशु है, तेरे पास स्वर्गीय धन है, तू स्वर्ग का राजा का बेटा है। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु धन्य, तू पवित्र है, तू अति पवित्र है, तू अति पवित्र है। हमको तेरे जैसा होना है, तेरी आंखें हमें चाहिए, तेरा दिल हमें चाहिए, तेरे आंखों के आंसू हमें चाहिए। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जो भाई बहन सुन रहे हैं उनके हर एक दुखों को आपने लिया है, इसलिए धन्यवाद। उनको अभी इस समय हर एक परेशानियों से आपने आजाद किया है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे मार खाने से पापाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। हाँ प्रभु जी, तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिली, तेरे मार खाने से, तेरे खून बहाने से छुटकारा मिला है, हम छुटकारा पाए हैं, हम आजाद हुए हैं। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको चाहत।
अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खा आपके मार खाने से, आपके गाड़े जाने से, आपके क्रूस पर लटकाए जाने से, आपके खून बहाने से हम सबको आजादी आपने दी है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, तूने कहा है मैं आऊंगा फिर तुझे मेरे पास रखूंगा, मैं तुझे मेरे घर ले जाऊंगा। हालेलुया, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा खड़े रहिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए, उसके अभिवचन को महसूस कीजिए, उसने वादा किया है उसे आप महसूस कीजिए। देखिए प्रभु आपके पास खड़ा है, आपको छू रहा है। इस गाने के गीतों की ओर आपका ध्यान लगाइए, वो क्या कह रहा है देखिए। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, पवित्र आत्मा आपके पास है, देखिए 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 छू रहा है। हालेलुया, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा छू रहा है। हालेलुया, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हालेलुया, तूने मेरे सच्चाई की राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, मैं हर दम यीशु जी तेरी हम तो सना सासों
तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पा बहनों, प्रभु ने आपको आजादी दी है, प्रभु ने आपको तमाम किया है, प्रभु ने आपके सारे दुखों को कष्टों को अपने आप पर लिया है और लेकर उसने उस दुख उस पाप को उस अपराध को उस निराशा को उसने कलवरी के क्रूस पर लटका दिया है। आपके पास ना ही कोई निराशा है, ना ही कोई दुख है, ना ही कोई तकलीफ है। तकलीफ है तो ये हमारे सोच हमारे विचार से हमारे नजरिए से है। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु जी आपको, धन्यवाद प्रभु जी आपको, सुति प्रभु जी, सुति 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 पवित्र आत्मा आपने हम सबको छुआ, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बैठ जाइए मेरे भाइयों बहनों, बैठ जाइए। गाएंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं। क्या इस वचन को, इस अभिवचन को, उस वादे को सुनकर क्या सचमुच आप आनंदित हैं? मैं तो आनंदित हूं, क्योंकि मैं बहुत आनंदित हूं। मैं स्वर्ग का राजकुमार हूं, मैं मामूली इंसान नहीं हूं। इसी तरह आप भी कोई मामूली साधारण इंसान नहीं हो, आप बहुमूल्य हो। दिन यहोवा ने
रोगों को दुखों को अपने आप पर लेकर हमें आजाद किया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, आमीन, हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या रचना किया, जय जयकार, जय जयकार,
हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
आभारी रे आभारी मान तो यीशुला हमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला सर्व उठनु बेरा आभारी 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 आभारी
बैठ जाइए भाइयों बहनों, बैठ जाइए। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, कसौटी तेरी में सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी उसने, कोड़े खाके क्रूस उठाके सुने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार दी मुझे तूने भरपूर से, खतर और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी तेरी मैं सर्वदा।